वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 और हम आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम शेयर कैपिटल को कैसे शो करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। वॉल्यूम 3 जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी करेंगे या हम कर चुके हैं, उसके अंदर हम देख चुके हैं कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है। उस बैलेंस शीट में एक शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, उसका हम अब डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। Now this is how it is disclosed. Balance sheet and extract. Particulars, note number, अमाउंट। वैसे दो अमाउंट्स आती हैं, एक करंट ईयर की और एक प्रीवियस ईयर की। द फर्स्ट पार्ट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर हमारे पास आता है शेयर होल्डर फंड्स। Under shareholder funds, first we have is share capital and second we have is reserves and surplus. Note 1, note 2. इसके अलावा आती है non-current liabilities, current liabilities, company की non-current liabilities, company की current liabilities, हम उनकी अभी बात नहीं कर रहे। फिर एसेट्स आते हैं, वी आर जस्ट मेकिंग द शेयर कैपिटल डिस्क्लोजर। नाउ नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। कंपनी सबसे पहले शो करती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी पूरी लाइफ टाइम में इश्यू कर सकती है। ऑथराइज्ड कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कैन बी इश्यूड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इसे इस तरीके से शो किया जाता है, डैश शेयर्स ऑफ रुपी डैश ईच। डबल लाइन लगाने का मतलब है कि इसे टोटल में नहीं शो करना, ये सिर्फ डिस्क्लोज करने के लिए, शो करने के लिए, और इसका कोई रीजन नहीं है। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, दैट वुड बी डैश शेयर्स ऑफ रुपी डैश ईच। जैसे कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर सकती थी, बट कंपनी ने 90,000 शेयर इशू किए। डबल लाइन इसलिए क्योंकि बैलेंस शीट में वो आते हैं जो ट्रायल बैलेंस से है, ट्रायल बैलेंस में वो आता है जो लेजर हो, लेजर में वो आता है तो जर्नल हो, जर्नल में वो एंट्रीज आती है जो पब्लिक ने मांगे हो, सब्सक्राइब्ड। अब आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो होते हैं, एक होता है फुली पेड अप, फुली पेड अप मतलब कंपनी ने सारे पैसे मंगवाए और लोगों ने सारे पैसे पे कर दिए। कंपनी ने सारे पैसे मंगवाए और लोगों ने सारे पैसे पे कर दिए। फिर आता है नॉट फुली पेड अप, इसमें आते हैं कंपनी ने जितने पैसे मंगवाए, या तो कंपनी ने पैसे कम मंगाए होंगे या लोगों ने कम पैसे पे किए होंगे। इस कैटेगरी में आते हैं फुली पेड अप,
दैट मींस कंपनी ने जितने पैसे मंगवाए टोटल 10 का शेयर 10 मंगवा लिए और सारे पे कर दिए, इसके अंदर आते हैं कंपनी ने 10 में से 8 मंगवाए, ये कैटेगरी, या कंपनी ने 10 में से 8 मंगवाए, लोगों ने 7 पे किए, कॉल्स इन अरियर। माइनस कॉल्स इन अरियर, इन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट आती है प्लस शेयर फॉरफीचर, इनको प्लस माइनस करके जो अमाउंट आती है विल शो हेयर। फुली पेड अप जितने पैसे पूरे आ चुके हैं, नॉट फुली पेड अप जिन्होंने पैसे नहीं दिए, कम दिए, माइनस कॉल्स इन अरियर जिन्होंने जो अमाउंट अभी तक नहीं पे की, फॉरफीचर मतलब शेयर फॉरफीट हो गए पर रीइश्यू नहीं हुए, मतलब शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैरी डाउन। दिस अमाउंट, ये जो अमाउंट आती है ये अमाउंट हम शो करते हैं नोट नंबर वन में, दिस हियर, ये अमाउंट यहां पे जाएगी। इसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, आई विल बी गिविंग एक्सप्लेनेशन। फिर बनता है नोट नंबर टू, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एंड कैपिटल रिजर्व। ये टोटल यहां जाएगा, और भी बहुत तरह के रिजर्व्स आते हैं यहां पे, बट अभी हम सिर्फ शेयर कैपिटल पर ही फोकस कर रहे हैं, शेयर कैपिटल चैप्टर के टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं। दिस इज हाउ द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, द डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। अभी मैं आपको कुछ नोट्स देने वाला हूं, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। स्पीड अप, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर वन, नंबर वन, फुली पेड अप सब्सक्राइब्ड कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल वेयर फुल फेस वैल्यू हैज बीन कॉल्ड बाय द कंपनी and duly paid by the shareholders. ये जो अमाउंट है this, ये वो अमाउंट है जो शेयर कैपिटल पे कंपनी पूरी फेस वैल्यू मंगवा चुकी है, 10 का शेयर 10 मंगवा लिए और सभी शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए। Fully paid up subscribed capital refers to the capital where full face value has been called up by the company and duly paid by the shareholders. Number two, not fully paid up subscribed capital refers to the capital where either full face value has not been called
by the company or full face value been called but not paid by the shareholders. यहां पर ये अमाउंट ये कौन सी होगी जो या तो शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया या कंपनी ने पूरा मंगवा लिया और शेयर होल्डर ने नहीं पे किया या कंपनी ने ही कम पैसे मंगवाए हैं। यहां पर क्या आएगा कंपनी ने पूरे मंगवा लिए और शेयर होल्डर्स ने पूरे पे कर दिए। यहां पे आएगा या तो कंपनी ने कम मंगवाए हैं या कंपनी पूरे मंगवा चुकी है कुछ डिफॉल्ट हुआ। नोट नंबर 3 कॉल्स इन अरियर में कितना आएगा कॉल्स इन अरियर refers to the amount not paid by the shareholders. Calls in arrear में वो amount आती है जो shareholders ने pay नहीं की। पर एक चीज का ध्यान देना है forfeited shares नहीं आएंगे क्योंकि तब calls in arrear account close हो चुका होता है। अगर shares forfeit कर लिए जाए अगर शेयर्स forfeit कर लिए जाएं तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा फुल स्टॉप। इट डज नॉट इंक्लूड दोज शेयर्स विच आर ऑलरेडी forfeited। कॉल्स इन अरियर वो अमाउंट होती है जो शेयर होल्डर्स ने नहीं पे की पर इसके अंदर वो शेयर्स नहीं आते जो फोरफिट हो चुके हैं। नंबर 4 शेयर फोरफीचर में कौन सी अमाउंट आती है शेयर फोरफीचर रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड या अमाउंट क्रेडिटेड while making forfeiture entry. For share forfeiture वो amount होती है जो forfeiture के time पे हम credit करते हैं और वो होती है जो already pay किया हुआ है company का फायदा हम वही करते हैं ना share capital to calls in arrear to share forfeiture ये वो चीज है to share forfeiture जो credit है वो amount आएगी। पर अगर शेयर रीइश्यू हो जाए तो नहीं आएगी क्योंकि वो फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका होता है। इट डज नॉट इंक्लूड दोज शेयर्स विच आर ऑलरेडी रीइश्यूड। सो कॉल्स इन अरियर में वो अमाउंट आएगी जो फोरफिट नहीं हुए और फोरफीचर में वो अमाउंट आएगी जो रीइश्यू नहीं हुए। तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं जो फोरफीट नहीं हुए क्योंकि अगर फोरफीट हो जाए तो कॉल्स इन अरियर क्लोज हो जाता है और यहां पर वो अमाउंट आएगी जो रीइश्यू नहीं हुए क्योंकि जब रीइश्यू हो जाता है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाती है। फिफ्थ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रेफर्स टू द प्रीमियम earned and received। SPR में वो अमाउंट आती है जो पैसे कमा लिए और रिसीव भी कर लिए क्योंकि जब रिसीव नहीं करते तो हम SPR को डेबिट करके क्लोज कर देते हैं। तो बेसिकली SPR का कैरी डाउन SPR जो क्रेडिट हुआ और डेबिट हुआ माइनस करके जो अमाउंट आती है। सिक्स्थ कैपिटल रिजर्व refers to the gain from reissue of shares. अगर shares vendor को issue किए हैं तो उसको separate show करेंगे, promoters को issue किए हैं तो separate show करेंगे, underwriters को issue किए हैं तो separate show करेंगे।
अगर हमने शेयर्स इक्विटी अलग है प्रेफरेंस अलग है तो अलग अलग शो करेंगे. मींस नंबर 7, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स शुड बी शोन सेपरेटली. अगर एक कंपनी ने दोनों शेयर्स इश्यू किए हैं तो सेपरेटली शो करेंगे, इक्विटी अलग प्रेफरेंस अलग. ये नहीं कि 5000 शेयर्स इक्विटी है 5000 प्रेफरेंस है, बैलेंस शीट में 10,000 शो कर दो. यू विल मेक टू कैटेगरीज, 5000 इक्विटी 5000 प्रेफरेंस. 8, शेयर्स इश्यू टू प्रमोटर्स अंडररराइटर्स वेंडर्स एंड पब्लिक शुड बी शोन सेपरेटली. जो शेयर्स प्रमोटर अंडररराइटर्स और वेंडर्स को शो करेंगे उनको हम सेपरेटली शो करेंगे अलग अलग, जो हमने शेयर्स अलग अलग इशू किए हैं. नंबर 9, कॉल्स इन एडवांस यहां पे शो नहीं होगा क्योंकि कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी होती है. आपने मुझे एडवांस में फीस दे दी 4 मंथ्स की तो वो शेयर कैपिटल से उसका कुछ लेना देना नहीं है. आपने मुझे फाइनल कॉल एडवांस में दे दी तो वो करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटीज होती हैं. कॉल्स इन एडवांस शुड नॉट बी शोन हेयर एज इट इज करंट लायबिलिटी. और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी हम 1000, जैसे मैंने 10,000 शेयर्स इशू किए, पब्लिक ने 12,000 शेयर्स मांगे, हम बैलेंस शीट 10,000 के हिसाब से करेंगे क्योंकि जनरल एंट्रीज 10,000 के हिसाब से होती है. मैंने 10,000 शेयर्स इशू करने थे, आपने 10,000 मांगे तो 10,000 शो करेंगे. मैंने 10,000 इशू किए, आपने 9,000 मांगे तो हम 9,000 से शो करेंगे. मैंने 10,000 इशू करने थे, आपने 12,000 सब्सक्राइब किए तो हम 10,000 के हिसाब से शो करेंगे क्योंकि जर्नल एंट्रीज 10,000 के हिसाब से होंगी. वो एडजस्टमेंट होती है पर जर्नल तो 10 के हिसाब से ही पास की जाती है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. आई एम गिविंग यू 1 मिनट फॉर बैलेंस शीट एंड नोट एंड देन 1 मिनट फॉर द पॉइंट्स. एक एक करके रीड आउट कीजिए, देन विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. टेक 1 मिनट फॉर बैलेंस शीट एंड नोट एंड नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल ऑल्सो. स्पीड अप. सो दिस इज हाउ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, दिस इज हाउ द नोट नंबर 1 फॉर शेयर कैपिटल इज प्रिपेयर्ड एंड दिस इज हाउ रिजर्व्स एंड सरप्लस इज प्रिपेयर्ड. टेक 1 मिनट. Now let's move to the important points. We have 9 points. Read it properly. Ek bar achhi tarah read out kar lijiye so that we can start with the numericals then.
So let's start with the questions now. Please open question number 70. On 1st April 17, Myank Limited was found with an authorized capital of Rs. 25 lakh divided into 50,000 equity share of 50 each. हम 50,000 शेयर इशू कर सकते हैं 50 रुपए का एक, तो 25 लाख की मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल है. द कंपनी इशूड प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग 45,000 शेयर्स. कंपनी कहती है 45,000 शेयर इशू करेंगे. हो सकता है उन्होंने 5,000 शेयर रिजर्व कैपिटल रखी हो. द इशू प्राइस वॉज पेबल एज 15.20 एंड बैलेंस. प्रीमियम वाला क्वेश्चन नहीं है तो हमें रिजर्व सरप्लस में एसपीआर शो नहीं करना. द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड 45,000 shares and company allotted shares to all the applicants. The company did not make the call during the year. Company ने अभी तक 35 rupees मंगवाए हैं, तो ये हो जाएगा not fully paid up के अंदर, क्योंकि company ने पैसे मंगवाए ही नहीं अभी सारे. अगर किसी ने ज्यादा पैसे pay भी कर दिए तो वो तो calls in advance होगा. The company did not make the call during the year. Shares forfeit नहीं है, calls in arrear नहीं है, reissue नहीं है, तो reserves and surplus बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो इस क्वेश्चन में एसपीआर है ना ही कैपिटल रिजर्व है. कैपिटल रिजर्व तो तब होगा ना जब कॉल्स इन अरियर होगा, फिर हम फोरफीट करेंगे, फिर हम री इश्यू करेंगे. सो देयर इज नो कॉल्स इन अरियर, फोरफीचर, कैपिटल रिजर्व, री इश्यू विल जस्ट शो नॉट फुली पेड अप. शेयर कैपिटल शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट एज पर रिवाइज शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 13. ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम. अगर क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट नहीं भी लिखा आपको तब भी बनाना ही है. 70 बैलेंस शीट. ऑफ मयंक लिमिटेड एंड एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर्स. नोट नंबर अमाउंट. फर्स्ट वी हैव इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. अंडर दैट वी हैव इज शेयर होल्डर फंड्स, ए शेयर कैपिटल. Note number 1, we don't have any security premium reserve and capital reserve, so there is no need to show reserves and surplus. You here will make note number 1, share capital. First, authorized capital 50,000 equity share of 50 each. 50,000 equity shares of rupee 50 each. Total is 25 lakh. Double line. That means total में नहीं होगा, ये सिर्फ disclosure principle की वजह से हमें show करना है. Then we have is issued capital. हमने issue किए 45,000 equity shares of rupee 50 each. That would be 22,50,000. After that we have सब्सक्राइब्ड कैपिटल. फुली पेड अप में आएगा नंबर 1, कंपनी ने सारे पैसे मंगवा लिए. 2, शेयर होल्डर ने सभी पैसे पे कर दिए. इस क्वेश्चन में ऐसा है ही नहीं, कंपनी ने सारे पैसे नहीं मंगवाए, कम मंगवाए हैं, तो नॉट फुली पेड अप. पब्लिक ने कितने शेयर्स मांगे? 45,000 फुल सब्सक्रिप्शन. 45,000 equity shares of rupee
50 नहीं, कंपनी ने मंगवाए हैं अभी 15 + 20 = 35 रुपीज, 15 रुपए की फाइनल कॉल बाकी है, 15,75,000। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल करने का लॉजिक ये है कि हो सकता है अभी इसमें कॉल्स इन अरियर होती, फोर फीचर होता या फुली पेड अप होता, वेंडर के प्रमोटर के अलग होते तो प्लस करके डालते, तो ये आगे 15,75,000 और ये अमाउंट यहां पे ट्रांसफर कर दी जाएगी 15,75,000। दिस इज हाउ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। टेक योर टाइम, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72, तारा लिमिटेड वॉज फॉर्म विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपी 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 40 लाख ऑथराइज्ड कैपिटल है, द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स एट पार, तो एसपीआर नहीं आएगा, द इशू प्राइस वॉज एज 352, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स, ऑल मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 5,000 शेयर्स। तो 1 लाख शेयर में से 5,000 के पैसे नहीं आए, तो 95,000 हो गए फुली पेड अप और 5,000 हो गए पार्टली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। 1 लाख में से कंपनी ने सारे मंगवा लिए, 5,000 ने नहीं दिए, तो 95,000 हो गए पार्टली पेड अप, फुली पेड अप और 5,000 हो गए नॉट फुली पेड अप। शेयर्स फोर फीट नहीं हुए, फोर फीट नहीं हुए तो फोर फीचर में नहीं आएगा, री इशू नहीं हुए तो कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, तो इट जस्ट कॉल्स इन अरियर। शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बैलेंस शीट ऑफ तारा लिमिटेड एंड एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर अमाउंट एंड दैट अमाउंट इज इन रुपीज, फर्स्ट इक्विटीज एंड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, द फर्स्ट वी हैव इज शेयर होल्डर फंड्स ए, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, फर्स्ट इज ऑथराइज्ड कैपिटल 4 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच, कुछ मेंशन नहीं है तो हम इक्विटी ही लेते हैं जैसे पहले आपको बताया गया, 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 10 ईच 40 लाख, एंड देन वी हैव इज इशूड कैपिटल, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए एट पार, प्रीमियम भी होता तब भी हम कुछ ना लिखते, यहां पार ही आता है, शेयर कैपिटल पे पार ही आएगा, प्रीमियम को एसपीआर में अलग शो करेंगे, जब आप जर्नल एंट्री डालते हैं तो शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है, प्रीमियम नहीं। 10 लाख मतलब जब बैलेंस शीट बन रही है तो कंपनी उस टाइम तक 10 लाख रुपए मंगवा चुकी है, फुली सब्सक्राइब्ड कैपिटल। We have two categories. The first is fully paid up. 95,000 shares, 95,000 equity shares
of rupee 10 each, 9,50,000, not fully paid up, 5,000 equity shares of rupee 10 each, 10 रुपए मंगवा चुके हैं ना कंपनी, जितने मंगवाए होते वो डालते, माइनस कॉल्स इन अरियर, 5,000 इंटू, उसने 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं पे की, मतलब 10,000 नहीं पे किए, तो 95,000 फुली पेड अप है जिन पर पूरे पैसे आ चुके हैं, और 5,000 पे अभी कॉल्स इन अरियर है, मतलब जब बैलेंस शीट बनाने का टाइम आया तो शेयर्स अभी तक फोरफिट नहीं हुए थे, इसीलिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट शो हो रहा है। फोरफिट हो चुके होते तो कॉल्स इन अरियर ना फोरफीचर शो करते हैं की बजाय 9,90,000 टोटल। स्पीड अप कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर 72। Okay, moving to question number 74. India Auto Limited is registered with an authorized capital of rupees 7 crore, which is 7 lakh shares of 100 each. The company issued 50,000 shares to the vendor of building purchased. हमने building खरीदी, 50,000 vendor को share issue किए. 2 lakh shares were issued to public. तो अलग-अलग separately show करेंगे. The amount was payable as follows. 20 per share application allotment, 50 per share first call and the balance. All calls were made. ये जो 20 rupees है, ये application allotment इकट्ठी है. Hardly matters. Balance sheet treatment same रहेगी. All calls were made duly received except 100 shares by Rajni who failed to pay second and final call. Her shares were forfeited. Shares को forfeit कर लिया गया है. तो calls in arrear नहीं show होगा. सिर्फ forfeiture show होगा. कॉल्स इन अरियर तब होता है जब उस पैसे डिफॉल्ट हो, जब फोरफिट कर लिए कॉल्स इन अरियर खत्म। और इसमें वेंडर वाला पॉइंट भी है, बैलेंस शीट ऑफ इंडिया ऑटो लिमिटेड एन एक्सट्रैक्ट particulars, note number, amount, first we have is equity and liabilities, under that we have shareholder funds, and A share capital, no SPR, no capital reserve, no premium and no capital reserve. Note number 1, share capital. First we have is authorized capital, seven lakh equity shares of rupee 100 each, that would be 7 crore. ये कंपनी 7 crore रुपया पब्लिक से इकट्ठा कर सकती है, या टोटल 7 crore की कैपिटल है इस कंपनी की। Issued capital
वी हैव इशूड 50,000 शेयर्स टू वेंडर एंड 2 लाख शेयर्स टू पब्लिक, तो टोटल 2.5 लाख शेयर इशू कर दिए, 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, दैट वुड बी 250,000 एंड देन 00. Here we'll put the double line. Here we'll put the double line. After that, we'll have subscribed capital. Okay, इसमें से हमने 50,000 share vendor को issue किए, bracket में show कर देंगे. 50,000 shares issue to vendor. Now we have subscribed capital. Subscribed capital में we have two. One is fully paid up, other is not fully paid up. Vendor के तो fully paid up ही होंगे. So fully paid up के अंदर 50,000 equity shares, 50,000 equity shares of ₹100 each. ₹50,000 हमने इशू किए, अगर आप ध्यान दें वेंडर को, क्योंकि बिल्डिंग खरीदी थी. सो 50,000 इंटू 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 लाख. नाउ सबने पैसे दे दिए एक्सेप्ट रजनी. रजनी के पास 100 शेयर हैं, 2 लाख शेयर पब्लिक को इशू किए, सारे पैसे मंगवा लिए. 2 लाख शेयर इशू किए, सारे पैसे मंगवा लिए. रजनी के पास 100 शेयर है, उसने पैसे नहीं दिए और वो शेयर फॉरफिट हो गए हैं. सो 1,99,900. 2 लाख शेयर पब्लिक को इशू किए थे, उसमें से रजनी के शेयर बाहर हो गए. सो 1,99,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, दैट वुड बी 1, 2, 3, 4. ₹1,99,900,000 और 100 शेयर जो रजनी के हैं उसे शो करेंगे शेयर फॉर फीचर में. नॉट फुली पेड अप कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रजनी के शेयर्स फोर फीट हो चुके हैं. शेयर फॉर फीचर अलग ही शो करते हैं हम, चाहे फुली पेड अप पे शो कर दो, चाहे नॉट फुली पेड अप पे शो कर दो. अच्छा, अगर रजनी के शेयर्स फोर फीट ना होते तो हम ऐसे शो करते, देखिएगा, नॉट फुली पेड अप, 100 शेयर्स ऑफ 100 ईच माइनस कॉल्स इन अरियर, 100 इंटू उसने कितने की कॉल नहीं पे की, 30 रुपीज की, उसने 30 रुपीज की कॉल नहीं पे की, 7,000. हम ऐसे शो करते, गॉट इट. अगर उसके शेयर्स 4 फीट ना होते, बट उसके शेयर्स 4 फीट हो गए हैं, अमाउंट 7,000 ही आएगी, पर कॉल्स इन अरियर शो नहीं करेंगे, तो हम ऐसे शो करेंगे शेयर फॉर फीचर कितना, 100 शेयर्स ऑफ रजनी वट एवर शी हैज पेड. शेयर फॉर फीचर में कितना आता है, जितना वो डिफॉल्टर पे कर चुका है, और वो 70 पे कर चुका है. मतलब अगर शेयर फोर फीट नहीं हुए तो हम शो करेंगे 100 माइनस 30 70, 100 मंगवाए, 30 कॉल्स इन अरियर, 70. और अगर शेयर 4 फीट हो गए तब भी हम 70 शो करेंगे, बट कॉल्स इन अरियर शो नहीं करेंगे. और ये टोटल बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, विच वुड बी 2,49,97,000, 2,49,97,000, and that will put it in the amount column.
बेसिकली 2.5 लाख शेयर, ये देखो 25 लाख, 2.5 करोड़ है, 2 करोड़ 50 लाख, 2.5 करोड़ में से सिर्फ 3,000 रुपए नहीं आए। तो अगर आप 2.5 करोड़ में से 3,000 माइनस कर देंगे रजनी के, तो वो बन जाएगा 2,49,97,000। दिस इज हाउ यू विल शो द बैलेंस शीट। स्पीड अप 1 मिनट एंड देन वी आर डन विद द लेक्चर। हम ऑलरेडी कर चुके हैं कॉल्स इन अरियर, 4 फीचर, नाउ वी आर लेफ्ट विद री इशू, विल कंटिन्यू दैट इन लेक्चर 15। बाय बाय, टेक केयर।